हेलो फ्रेंड, द ग्रिल पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, फलार फाइनली हिंदी में आ चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं प्रवास का जो ये ब्लॉकबस्टर मूवी है उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए मेन मेन सीन पे रिएक्शन देंगे। दोस्तों, अब जो सीन हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है जो प्रवास श्रुति हसन को रेस्क्यू करते हैं, उसको बचाते हैं गुंडों से, और वो सीन मास सीन हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, सरार मूवी से जो श्रुति हसन का रेस्क्यू सीन है ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। जयराम, जयराम कहाँ चला गया? मेरे बेटे के लिए खाना भेजना था। मैं ले जाती, कम से कम इतना तो काम आ ही सकती। ये तो वही लोग हैं, इनको भी आ गया है, खबर पहुंच गया है। 3 सुखिया। सर, लड़की मिल गई। बहुत छोटी जगह है सर, कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस भी नहीं। तो फिर वो भाई 3 सुखिया के लिए फौरन निकल, वहीं पर मिलेगा। सेल्फी को खींच रहे हैं सर। सेल्फी भाई, मुझे जल्दी 3 सुखिया से फोटो भेज। भेज भाई, भेज। ये लड़की भी ना एक काम भी देखने नहीं करती। खाना लेके आई है। इतना हिम्मत दोस्तों, दोस्तों होने वाला है मासिन। पता चलेगा तुम लोग को, मास डायनासोर आने से पता चलेगा। वेटिंग 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 वेटिंग, कम ऑन कम ऑन दोस्तों। चावल लेके टाइम आ गया। किसी का हिम्मत नहीं है, तुम इतने सारे लोग हो, कोई तो जाके बचाओ उस लड़की को। सब डर रहे, कहां से बचाएंगे? क्या कर रहे हो? अरे कोई तो आके आओ, तू या तू। अरे कोई तो जाके उनको रोको। ना कोई रोकेगा, ना ही रोक सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो हो तो सिर्फ पे प्रॉमिस पे कुछ अलग। वाह वाह, खेल लिया। अरे उसको छोड़ दिया ना, रे जाके उसका सर काट के लेके आ। अब होने वाला है इस राख में लिपटे अहंकार को हवा लगने दो, इसे सुलगने दो। डायनासोर उठने वाला है, कटआउट पता चलेगा कटआउट के बारे में। ये
इंजन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। बॉडी देखो दोस्तों, वाह कटआउट पर जबरदस्त। बेचारा ये क्या कर पाएगा, जंग लगी गाड़ी है, जंग लगी पता चलेगा तुम्हें। अभी वोल्केनो फूटने वाला है, खींची थी कि तू कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, और आज मैं ही उस लकीर को मिटा रही हूँ। या यस मारो मार, देख रहा उसको, देख लिया अभी देवा। इन्हें रुकना होगा, नहीं रुकना होगा, डायलॉग भाई चाहे तो इनके आगे हाथ जोड़ ले। नहीं तो उठे हुए हाथ काट दे। यस काटा कुटी होगा, माफी नहीं, रिक्वेस्ट नहीं। यस यस दिमाग किरकिरी उड़ गया पूरा साला, वो बिग बिग टायर्स पे हुआ। सब शॉक में, ये आदमी मारता भी है, कट आउट फॉर्म में आ चुका है, बच्चे लोग भी शॉक में है। ये खुश है, ये तो जानता है, टीजर वाला पोस्टर, क्लिप्स वाला जो पोस्ट था दोस्तों, क्या पोज है, वाह ब्यूटीफुल क्रॉस करने का, वाह बहुत अच्छा दिखा है, स्लो मोशन बहुत अच्छा कैप्चर है दोस्तों। ये भी खाना रखा जा रही, जानती है यही बचना है बोल के, आ जाओ उड़ रहे ताले, वाह एक ही पंच, ये भी शॉक में है। इसमें जला दे भी है, पैसा वसूल थी। आ जाओ आ जाओ, मोड़ मोड़ के मार रहा था, क्रेजी पूरा, सुपर ह्यूमन पावर पूरा, मार के जी फटी है उनका देख के। ये तो अल्टीमेट, उठा ही दिया उसको, जा आ क्या पोज है, चश्मा भी पहनना क्रेजी, छोटे स्टाइल स्वैग ये है, प्रवास मानना पड़ेगा, प्रवास प्रशांत नील, उड़ी के जा। टायर भी देखो बड़ा बड़ा पूरा, माइनिंग ट्रक्स का टायर, ओह याद पकड़ा था पिलर के टाइम, याद है ना उसी से मार हो रहा, सोच रहा है कौन है ये, उसी का हाथ पे फोड़ दिया ना, वाह बाहुबली वाला पूरा वो स्टाइल वॉकिंग का दोस्तों, अभी वो सेल्फी बच गया है, क्या होगा सेल्फी का, आया जाओ जाओ जाओ
सेल्फी का बाल देखो साले का, गया 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 ईश। हाँ दर्द पतिया साला झिंगुर भालू बाबा बाबा वन मैन शो दोस्तों, वन मैन शो इसको बोलते हैं, मास मास का बाप डायनासोर कटआउट है। प्रवास मानना पड़ेगा दोस्तों, पूरा क्रेज ही पैसा वसूल ऐसा मूवी में देखने था मास सीन में, प्रवास से बेटर कोई नहीं। उनका जो लार्जर देन लाइफ उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर आंखों में और वो मसल दिखता है उनको पूरा मारते हुए, मजा आ गया। मजा आ गया दोस्तों, पैसा वसूल सीन जहां से उसकी माँ जो बिल्डअप रहता है कि वो अब बोलकर फूटेगा, अब इंजन स्टार्ट होगा, और जहां उसकी माँ बोल देती है देवा उन्हें रुकना होगा चाहे तो उनके पाँव पर या तो हाथ काट, वहां से जो मास सीन स्टार्ट होता है दोस्तों मजा आ गया देख के। डूड प्रवासी ऐसा दिखते हैं दोस्तों, जो एक हमको एक लेके आते हैं कि जब वो मारते हैं तो लगता है कि वो मार रहे हैं और वो दूर दूर तक जा रहा है वैसा वाला। मुझे कभी एक टाइम में फीलिंग होता था जब सनी देओल को मैं देखता था मारपीट करते हुए एक्शन सीन में, वो लगता था कि जब वो मारते हैं तो लगता है कि एक्चुअली मार रहे हैं। मुझे प्रवास कभी सेम फीलिंग होता है तो जब उनका एक्शन सीन आता है कि वाकई वो मारते हैं तो लग रहा है कि विलेन को लग भी रहा है रियल में। पैसा वसूल सुन दोस्तों, उसमें स्टाइल स्वैग सब कुछ दिख रहा है डायनासोर का आका प्रवास का, जैसे वो जो चश्मा पहनते हैं वो जो स्टाइल का जाने का, फिर वो उसको उठाते हैं, काफी सारा सीन था। सुरतिया से भी सरप्राइज थी, अच्छा उसका रेस्क्यू किया, वन मैन शो पूरा हुआ। जहां वो एक बार मारना स्टार्ट किया तो एक दूसरा विलेन को टच भी नहीं कर पाया वहां पे, मजा आ गया दोस्तों। पैसा वसूल सीन है, ईगली बैठ रहेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सीन है इंटरवल सीन का, नेक्स्ट वाले सीन पे हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।